आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गाना में जो टेक में। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल में यूज़ होने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट दो फंक्शंस जो हैं। तो इसमें पहला फंक्शन है वी लुकअप एंड सेकंड फंक्शन है काउंटिप। पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि वी लुकअप और काउंटिप का यूज़ होता क्या है। देखिए, मेरे सामने एक चार्ट बना हुआ है, यहाँ पर मैं पहले वी लुकअप दिखा देता हूँ आपको। तो मैं जैसे ही इस सीरियल नंबर में कोई नंबर डालूंगा, सीरियल नंबर, तो उसकी डिटेल्स मेरे सामने आ जाएगी। देखिए, जैसे मैंने 7 नंबर डाला, तो 7 नंबर में ये दीप्ति लिखा हुआ था, उसके परसेंटेज लिखे थे, डिवीज़न लिखा था, तो यहाँ पर आ गया नेम एंड डिवीज़न। सेम एज इट इज़ काउंट इफ को यदि हम देखें तो काउंट इफ में क्या है कि टोटल कितने थर्ड डिवीज़न है वह आ जाएगा, या फिर जैसे मैं फर्स्ट डिवीज़न देखना चाहूँ तो 4 फर्स्ट डिवीज़न है, सेकेंड डिवीज़न देखना चाहूँ तो 5 सेकेंड डिवीज़न है। तो ये क्या है, बहुत इजी फंक्शंस हैं। इसके थ्रू हमारे पास कितना भी ज़्यादा डेटा है हम उसमें से फाइंड आउट करके अपनी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं कि नंबर्स चाहिए कितने, क्या चाहिए, सैलरी वाले कितने हैं, कंडीशन आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे मैंने एक रिजल्ट का यहाँ पर फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो चलिए अब इस फंक्शन को देख लेते हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं वी लुकअप। वी लुकअप के लिए हमको क्या करना है, एक इसी टाइप से हम फॉर्मेट बना लेते हैं, सीरियल नंबर देन नेम देन डिवीज़न, ये तीन हमने बना लिया। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा साइज बढ़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला कहाँ लगाएंगे हम, नेम और डिवीज़न में। ठीक, तो नेम में लगाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वस टू वी लुक, वी लुकअप लिख दिया, ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पर बोला वी लुकअप वैल्यू, तो यहाँ पर जो टॉप में हमने सीरियल नंबर लिखा है यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं कि जो भी नंबर्स हम यहाँ पर डालेंगे सीरियल नंबर में डालेंगे वो वैल्यू हमें शो करेगी। देन कॉमा लगा देते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, पूरे जितना भी हमारे पास वैल्यू वो है डेटा है उसको पूरे को सेलेक्ट कर लेना, ऊपर से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कॉमा लगा देना। अब उसके बाद आपको क्या शो कराना है यहाँ पर, जैसे मैंने नेम लिखा हुआ है, तो देखिए नेम कौन से नंबर में है, ये कौन से नंबर का कॉलम है, सेकेंड नंबर कॉलम है, तो इस कॉलम का मैं नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर, मतलब सेकेंड, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, इंटर मार दूँगा। अब यहाँ पर एन ए आ रहा है, यहाँ पर मैं नंबर लिख कर देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने 3 नंबर लिखा, ये राखी आ गया, है ना। अब हमको डिवीज़न भी चाहिए, तो सेम एज इट इज़ वी इक्वस टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, सीरियल नंबर का जो था उसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया, पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली, कॉमा लगा दिया। देन उसके बाद हमको क्या करना, डिवीज़न शो करना है। डिवीज़न कौन से नंबर में है, 1, 2, 3 एंड 4, 4 नंबर कॉलम, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, इंटर मार देंगे। अब देखिए राखी का कौन सा नंबर था, सेकेंड डिवीज़न, तो ये सेकेंड डिवीज़न आ गया। अब मैं यहाँ पर कुछ दूसरा डाल कर देखें, 7 नंबर डाल देते हैं दीप्ति, है ना, 7 नंबर डाल देते हैं, ये 7 नंबर दीप्ति सेकेंड डिवीज़न आ गया। अब हमको 5 नंबर देखना है तो 5 नंबर डाल दिए। तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं, जैसे रोल नंबर के थ्रू हमको चेक करना है, या फिर कोई एम्प्लॉय आईडी है उसकी सैलरी चेक करनी, तो वहाँ पर इस ऑप्शन का यूज़ किया जा सकता है। तो अब सेकंड देख लेते हैं हम काउंटिव। अब हमको टोटल भी कभी कभी चेक करना पड़ता कि यार सेकंड डिवीज़न वाले कितने बच्चे हैं, फर्स्ट डिवीज़न वाले कितने बच्चे हैं, और थर्ड डिवीज़न वाले कितने बच्चे हैं, और इसका टोटल करने में हमको बहुत प्रॉब्लम होता है ना। तो इस चीज़ के लिए हम इधर पर काउंटिव ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना है, सेम एज इट इज़ यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले हम यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे। देखिए, जैसे मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है, तो ऐसे ही एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हमको क्या करना रहेगा, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन ऑप्शन को ऊपर कर देंगे, यहाँ से हम लिस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ से हम पूरा डिवीज़न सेलेक्ट कर लेते हैं जितने भी थे, ओके कर लेते हैं। अब देखिए ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन, इसमें बहुत सारे शो कर रहे हैं लेकिन सबकी वैल्यू सेम रहेगी, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। देन अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, काउंट इफ का ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो इक्वस टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन में ये रेंज बोल रहा है, तो रेंज आपको क्या यूज़ करना है, डिविजन्स के थ्रू ही हमको चेक करना है।
तो डिवीजन वाला पूरा रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया और क्राइटेरिया सेलेक्ट कर दिया कि किस वैल्यूज को हमको दिखाना है। सेलेक्ट करके ब्लैक ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटर मार दिया। अभी देखिए ये जीरो दिख रहा है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट डिवीजन सेलेक्ट कर लेते। तो फर्स्ट डिवीजन कितने बच्चे हैं, फोर बच्चे। यहाँ से काउंट करके देख ले, 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर है ना। सेकेंड डिवीजन भी चेक कर लेते हैं, सेकेंड डिवीजन कितने, 5 आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। थर्ड डिवीजन देख लेते हैं, ये देखिए थर्ड डिवीजन कितने, 1 एंड 2। तो इस टाइप से आप काउंटिफ और वी लुक फंक्शन को यूज़ करके अपने काम को बहुत इजी कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, एमएस एक्सेल फंक्शन वी लुक अप एंड काउंटिफ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और आगे के फंक्शंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।